पश्चिम बंगाल सेंट्रल फोर्सेस की 3 कंपनियों की तैनाती का फैसला वहां पर कर दिया गया है। इन्हें कोलकाता, हुगली और बैरकपुर में तैनात किया जाएगा। और जहां तक बात बिहार की है तो वहां दंगे थम चुके हैं, शुक्र है, लेकिन दंगों पर पॉलिटिक्स जो है वो स्पीड पकड़ चुकी है। बीजेपी विधायक ने विधानसभा में दंगे पर सवाल जब पूछा तो मार्शल की मदद से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बीजेपी अब नीतीश पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगा रही है और नीतीश सरकार कंफ्यूज्ड नजर आ रही है। बिहार में दंगों की आग कैसे भड़की? नफरत की आग किसी ने साजिश के तहत लगाई या सरकारी अमले की नाकामी इसकी वजह बन गई? ये सवाल बहुत सीधा सा था, लेकिन नीतीश की सत्ता के सारे पाए बिखरे बिखरे नजर आए। सासाराम और बिहार शरीफ में जो हुआ वो एक साजिश का परिणाम था या प्रशासनिक लापरवाही? नहीं, प्रशासनिक तो नहीं, अभी तो एक चीज पर नजर रखी, कभी यहाँ पर कुछ होता ही नहीं, सब पर अपना अलर्ट रहता है, और कहीं अचानक कुछ किया है तो उसको लेकर के बाकी पूरा का पूरा प्रशासन अलर्ट, हम लोग पूरा देख रहे हैं। चूक तो हुई है, प्रशासन से भी चूक हुई है, और जो लोकल वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वहाँ के लोकल एसपी हैं, डीएसपी हैं, सब लोग जिम्मेदार हैं, लोकल थाना अध्यक्ष जो होते हैं सब लोग जिम्मेदार हैं। नीतीश अपनी सरकार की नाकामी पर पर्दा डाल रहे थे, लेकिन विडंबना देखिए, जो सत्ता में उनके साथी हैं वही उससे पर्दा उठा रहे थे। वैसे दंगों पर घिरे नीतीश ने सूबे के बिगड़े हालात के लिए बीजेपी को भी जिम्मेदार ठहराया और बिना नाम लिए ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता दिया। और दो लोग है समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना? ये क्या नीतीश कुमार लगता है कि नोटरी एजेंट है? अरे भाई, हमने वाजिब सवाल उठाया था, आप आपके भतीजे को लेकर जाइए ना, उस जगह पर जाइए, मदरसा अजीजिया को जाइए, कंपनसेशन का ऐलान करिए, पुलिस अहदेदार जो थे जो नाकाम साबित हुए सस्पेंड करिए उनको। उस बजाय ये करने के दोनों बैठकर इफ्तार पार्टी में खजूर खा रहे हैं। ओवैसी का इशारा उन खजूरों की तरफ था जो नीतीश को लाल किले जैसे मंच पर पेश किए गए होंगे। लेकिन आज जब बात दंगों की हुई तो तेजस्वी ने एक और तर्क पेश कर दिया, कहा बिहार के खिलाफ नेशनल लेवल की साजिश चल रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि बिहार को लगातार टारगेट किया जा रहा है। पहले तमिलनाडु के लोगों से लड़ाने का प्रयास किया गया, उसमें असफलता ये लोग पाए तो अब जो है दंगा फसाद। कमाल का कंफ्यूजन है, जिस वक्त तेजस्वी दंगों के लिए दूसरों को गुनहगार ठहरा रहे थे उसी वक्त आरजेडी और सीपीआईएमएल के विधायक पत्थरबाजों के पक्ष में बयान जारी कर रहे थे। पत्थरबाजी हुई और फायरिंग भी हुई, ये सब क्यों? पत्थरबाजी हुई, आप हमको मार रहे हैं, घेर रहे हैं, तो कुछ रिएक्शन होता है? एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। रिएक्शन में पत्थरबाजी, हम कोई हमको मारने आए निर्विकार होकर मैं तलवार का घाव अपने सर पर ले लूं, पैतरा ना बदलूं, हाथ ना उठाऊं? अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही, इसकी क्या दिक्कत है? जब दोनों तरफ से जब मामला आया, जब एक आदमी इंतहा कर दिया तो फिर जाहिर सी बात है कि सामने वाला अपने बचाव के लिए तो कुछ करेगा, चूंकि वो ना पहले से कोई प्लानिंग था उनके। पत्थरबाजी बचाव भी की गई, आप ये कह रहे हैं जब इंतहा हुई है तो पत्थरबाजी की, तो जैसे आप लोगों की से खबरें आ रही है, अगर इस तरह की खबरें आ रही तो मुझे यही लगता है कि वो बचाव के लिए ही उन्होंने किया होगा। वैसे विवादित बयानों के मामले में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी पीछे नहीं रहे। एबीपी न्यूज से बातचीत में मदरसे को आतंकियों की पनाहगाह बता दिया और नीतीश को हिंदुओं की बर्बादी का जिम्मेदार ठहरा दिया। देखिए, सिर्फ वोट की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति आज बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण रहा। तुष्टिकरण, धार्मिक जातीय उन्माद पैदा करके सत्ता हासिल करने का, बिहार के विकास का, बिहार के विजन का, बिहार के सामाजिक सद्भाव को ये तिलांजलि दे रहे हैं। नालंदा और ससरा में जो हुआ वहाँ भी तुष्टिकरण है? निश्चित तौर पर पूरी तरह से तुष्टिकरण है। ऐसे कह रहे हैं, पदाधिकारी को बैठा करके उसके द्वारा हिंदुओं की बर्बादी और तबाही का खेल खेला जाता। बिहार में दंगे बेशक थम चुके हैं, लेकिन सियासत का चूल्हा गर्म है, जिस पर सारी पार्टियां धड़ल्ले से रोटी सेक रही हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़,
आपको रखे आगे।